आईफा मेरे लिए एक ऐसा मौका है जब मैं अपने परिवार के सदस्य को मिल सकता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि परिवार के सदस्यों को, मेरी जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, आप सब मीडिया के जो मेरे दोस्त हैं, मीडिया में हैं, जो जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, और जो बिहाइंड द स्टेज और ऑन द स्टेज जितने भी लोग हैं, तो उनसे मुझे मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि ये यही एक ऐसा अवार्ड है जहाँ सब मिलजुल कर ट्रैवल करते हैं, और ये जर्नी हर साल होती है। और मैं आईफा का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने हमेशा हम सबको, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, वो मौका दिया है जब हम सब मिलकर अपने अपने फिल्मों के द्वारा और अपने यू नो पर्सनली जाकर अपने फैन से मिल सके। सो मेरे लिए हमेशा ये साल, ये वक्त, ये समय जब मैं मुझे जब आईफा आता है, और मैं काफ़ी सालों से मेरे ख्याल से बिगनिंग से आईफा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे लिए ये हमेशा एक खुशी का मौका होता है। तो इस साल कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है आपकी, कुछ धमाका करने की, या कोई ऐसा आपने सोचा है? मैं देखिए, इसी क्या होता है कि प्रिपेयर और मेहनत तो करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। तो कोई भी चीज़ जो भी करते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत मुझे लगता है कि जो आईफा जिन्होंने शुरू किया, इवराफ सबा साहब और आंद्रे साहब जो आईफा के करता धरता है, और उसकी उनकी जो पूरी टीम है, जिस तरह वो मेहनत करती है, जो जिस तरह ये ऑर्गेनाइज करती है, तो असली मेहनत तो वो करते हैं। हम कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत, और यू नो एंड ऑब्वियसली प्रिपेयर तो करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ हम प्लान करते हैं जो हमने सब ने प्लान किया हुआ है। हमें एक स्क्रिप्ट दी जाती है, फिर हम अपना इनपुट देते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, जो मिलजुल के काम होता है। तो काफ़ी सरप्राइजेज हैं मेरे अलावा, मेरे ख्याल से मैं तो यू नो कह सकते हैं कि हमेशा रहता ही हूँ, और कुछ ऐसे कलाकार हैं जो पहली बार आईफा में आ रहे हैं, और मैं उनका मुझे लगता है कि मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। और मेरे ख्याल से इवन जो ऑडियंस होगी, जो टेलीविज़न पे ये शो देखी और जो बैंकॉक में होंगे, वो उन्हें बेचैन देखने के लिए बेचैन। और बाकी तो बड़े बड़े जो कलाकार हैं, स्टार्स हैं, जो हमेशा जिनको दुनिया चाहती है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। देखिए, मैंने ज़्यादा फिल्में देखी नहीं, मगर मैंने मैंने कुछ फिल्में देखी, क्योंकि क्या होता है कि इस साल, लास्ट ईयर मैं अपने काम में इतना मसरूफ़ था कि मैं ज़्यादा फिल्में देख नहीं सका, मगर कुछ फिल्में देखी हैं जो मुझे बहुत पसंद आईं। और यू नो मैंने पूरी फिल्में देख नहीं सका, तो मैंने कुछ हिस्से देखे हैं फिल्मों के, और बहुत ही बेहतर लगे हैं। कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो जिनके हिस्से बड़े बढ़िया थे, मगर वो फिल्म चली नहीं, जैसे कि जग्गा जासूस है, वो फिल्म चली नहीं, मगर उसके कुछ हिस्से मुझे पसंद आए, और मुझे उसमें रणवीर का काम बहुत पसंद आया, मगर वो फिल्म बिल्कुल नहीं चली, यू नो लोगों को वो फिल्म याद ही नहीं है। तो ऐसा होता है, मेरी भी करियर में ऐसी फिल्में हैं, और कुछ फिल्में हैं जो बहुत चली और मुझे लगा कि क्यों चली, मगर ये यू नो ये दिस इज़ शो बिजनेस, यू नो यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, यू नो। सो बहुत सी फिल्में हैं जो अच्छी हैं, तो मैं स्पेसिफिकली जैसे कि मैंने कहा कि थोड़े थोड़े मैंने हिस्से दिए, तो मैं आई विल नॉट बी 100% यू नो कहना कि यही मुझे फिल्म और ये दो तीन फिल्में पसंद आई हैं, तो दूसरी फिल्में जो और बेहतर फिल्में जो मैंने नहीं देखी, तो उसके लिए मुझे लगता है कि मैं अपना ये ओपिनियन अपने पास ही रखूँ तो बेटर है इस साल, डेफिनेटली। आपकी फिल्म की बात करें तो रेस 3 का काफ़ी बाद ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, आपका लुक सबका सामने आया है, आई थिंक योर पार्ट ऑफ द शूटिंग इज डन एंड लास्ट शेड्यूल इज गोइंग ऑन, सो हाउ इज इट बिल्डिंग अप, अभी ईद पे रिलीज होने वाली है। हाँ, जून ईद पर रिलीज़ हो रही है, और ये फिल्म जो है सलमान साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं रमेश तुरानी के साथ, तो ये बहुत ही यू नो दोनों यू नो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रोड्यूसर्स हैं, और
और इस फिल्म में सलमान ने बहुत बहुत दिल खोल कर यू नो चीज़ें की हैं, और मुझे लगता है कि ये जब आप लोग ये फिल्म देखेंगे ईद पर तो लोगों को लगेगा नहीं यार ये मज़ा आ गया है इसमें बात यू नो, क्योंकि दिल से बनाई फिल्म सलमान साहब ने। फिल्म सलमान के साथ स्क्रीन स्पेस यू आर शेयरिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम आई थिंक आफ्टर नो एंट्री के बाद हम आपको वापस देखेंगे, तो कैसा था एक्सपीरियंस वर्किंग सी सलमान के साथ? तो हमेशा मेरे ख्याल से मैक्सिमम काम यू नो एज एन एक्टर मैंने काफ़ी किया, मैंने मतलब मैं जब गिन रहा था मैं 4-5 फिल्में की हैं और ज़्यादातर फिल्में लोगों को पसंद आई हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म भी लोगों को पसंद आए। सलमान साहब के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब काम करता हूँ तो ऐसा लगता नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, इट्स मोर ऑफ यू नो हैविंग अ यू नो पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो बड़ी पॉजिटिव रहती हैं, तो मेहनत भी करते हैं काम भी करते हैं और थोड़ा हंसी मजाक भी चलता रहता है, तो मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा एटमोसफियर होता है तो फिल्में अच्छी बनती हैं इंटरटेनिंग बनती हैं, तो ये फिल्म ज़रूर आप लोगों को इंटरटेन करेगी। इसके अलावा अनिल जी हम देख रहे हैं आपका जो घर है वो लाइटिंग से काफ़ी चकाचौंध है, हाँ काफ़ी सहनाई भी बचने वाली है, तो कुछ बताएंगे आप कितनी कैसी सही समय पर सही वक्त पर जैसे कि आपने कहा कि आप लोग हमेशा स्पेशली मीडिया हम मेरे करियर में हमारे पूरे परिवार के करियर में मेरे फादर ने जब से अपना करियर शुरू किया हम 60 साल से इस इंडस्ट्री में तो हमेशा साथ दिया है, और सही वक्त पे हम सब चीज़ें कोई चीज़ आपको बता देंगे कि कब किस वक्त सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे, और बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि क्यों लाइटें हैं और क्यों शहनाई है वजह नहीं आपको सब मेरे ख्याल से बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हम नहीं छुपाएंगे सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम ऐसा माने कि एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है, मतलब अभी आईफा की बात ज़्यादा करें तो बेहतर है। ओके थैंक यू वेरी मच। अरे बाप रे इतने प्रेस वाले क्या? सर आप हैं तो हम चलिए सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जब जब आईफा की बात होती है आपने वोटिंग की कितने एक्साइटेड होते हैं आईफा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो मेरा जो सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है कि मुझे आज तक आईफा अवार्ड मिला नहीं है 2-3 बार इस बार आई विश अरे पहले तो इस बार मुझे नॉमिनेट होना चाहिए बट यस मैं आईफा को बहुत मानता हूँ बिकॉज यहाँ पूरी इंडस्ट्री को मौका मिलता है इसको आके वोट करने के लिए हर फिल्म के लिए अपनी फेवरेट फिल्म्स के लिए, एंड फिर उसके बाद मुझे लगता है पब्लिक वोटिंग भी होती है, तो आई थिंक इट्स क्वाइट जेन्यून एंड ट्रांसपेरेंट, तो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग, और फिर हमेशा अच्छे एग्जॉटिक लोकेशंस में आईफा होता है तो एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड, एक बहुत बॉन्डिंग होती है फिल्म इंडस्ट्री की, सब लोग इकट्ठा जाते हैं रियली एंजॉय देमसेल्व्स, सो आई थिंक इट्स ग्रेट फन। सर इस बार के लोकेशन को लेकर आप एक्साइटेड हैं? बैंकॉक, वाह वाह कौन एक्साइट नहीं होगा, खाना इतना बढ़िया है बैंकॉक में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ करने के लिए, शॉपिंग भी है एंड लॉट्स मोर थिंग्स, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, तो आई थिंक, और मैं सबसे कहता हूँ कि आप लोग ये टीवी पे अवार्ड्स देखते हैं लेकिन अगर मौका मिले तो जैसे क्रिकेट मैच स्टेडियम में आप जाके देखो तो कितना मजा आता है, आई थिंक गोइंग टू सी एन अवार्ड फंक्शन लाइव इज वेरी एक्साइटिंग, सो प्लीज ऑल गो एंड वॉच इट इन थाईलैंड। क्या हाँ मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे पता था कि वो पिक्चर कर रही है, इनफैक्ट वो गई थी उसके लिए, उसने ऑडिशन किया था पिछले साल एंड आई थिंक उन्होंने कुछ 1000 लड़कियाँ ऑडिशन की एंड शी गॉट सिलेक्टेड, सो आई एम वेरी लकी, और बस अब आई थिंक पीपल शुड लाइक हर इन द मूवी एंड लाइक द मूवी और पिक्चर चले, आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप अपनी तरफ से टिप्स देते हैं कि बेटा इस तरह से आप बताइए आपकी तरफ से कुछ टिप्स देते हैं आप अनन्या जी को? देखो मैंने मैं उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं एंड वो जो भी कर रही है अच्छा ही कर रही है, और शी इज विद सच अ बिग बैनर धर्मा फिल्म्स, इतने अच्छे हाथों में है वो, सो आई थिंक वही सब उसको अच्छी तरह ट्रेन करके ग्रूम करेंगे, मुझे कोई कंट्रीब्यूशन मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। डिड यू हैव अ वर्ड विद करण जो रिगार्डिंग द फिल्म व्हाट हाउ इट्स गोइंग टू गो लाइक एंड देन अदर थिंग्स? नो आई हैव नॉट स्पोकन टू करण येट अबाउट इट। ओके रियली आई हैव नॉट मैं मिला हूं उसको एक दो बार इसके पहले, लेकिन फिल्म
लॉन्च होने के बाद नहीं मिला उनसे, तो मुझे मौका ही नहीं मिला उनसे कुछ कहने के लिए. ये हुई मैम बात. बहुत बहुत आई मीन ये साजिद खान आ गए वापस, तो माई फेवरेट डायरेक्टर एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक टू मच फन. और ये इस बार जो कहानी है इट्स अबाउट पुनर्जन्म, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक समथिंग एल्स ऑल टुगेदर. सर ऐसा लोग बातें करते हैं कि क्या आप अपने जो फिल्मों का जो डिमांड होगी रेट अब बढ़ा देंगे आप? मींस अपनी प्राइस बढ़ा देंगे आप? हां मैं अभी 1 रुपया लेता हूं, 2 रुपया लेने से. मैं कभी पैसों के बारे में नहीं सोचता हूं व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स, बिकॉज़ यू नो आप कितना भी पैसा कमाओ वो आपको इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन जब आप अच्छी फिल्म करते हो तो हज़ार साल बाद भी लोग उस फिल्म को देखेंगे. सो आई थिंक एन एक्टर फॉर द बिगेस्ट थिंग एक्टर हमेशा रहता है, लिव्स फॉर एवर. लाइक श्रीदेवी जी चली गई है लेकिन हर बॉडी ऑफ वर्क वी विल ऑलवेज नो हर एंड रिमेंबर हर वेरी फॉन्डली. सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एन एक्टर. आपके सन के बारे में बताना चाहेंगे आप? मेरा नेफ्यू बट मेरे बेटे की तरह है आहान पांडे, बहुत ही पॉपुलर है इस वक्त इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और मैं जहाँ भी जाता हूँ इनफैक्ट यंग गर्ल्स मुझे आके बोलते अंकल अंकल प्लीज मिलाना मुझे आहान से. सो ही इज क्वाइट पॉपुलर एंड बहुत जल्दी उनका भी अनाउंसमेंट आने वाला है. इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय. उनका भी ऐसे धर्मा प्रोडक्शन में अनाउंसमेंट होगा या आप बताइए कुछ? नहीं उनका कहीं और होने वाला है. आई थिंक सो मुझे मैं बात नहीं कर सकता हूँ इसके बारे में बट शायद अच्छा ही अनाउंसमेंट आने वाला है. क्योंकि आप भी जहाँ भी आप जाते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि आप उनसे हमें मिला दीजिए, क्योंकि आप भी एक अच्छे हैं, सुपरस्टार एक्टर हैं, कुछ ऐसी जलन फील होती है उनके बारे में लोग ज्यादा बातें करते हैं? नहीं, जब आपके बच्चे आप कामयाब हो जाए आई थिंक फॉर एनी पेरेंट इट इज़ द बेस्ट फीलिंग. मुझे याद है 32 साल पहले मेरे पिताजी ही वॉज अ वेरी फेमस हार्ट सर्जन और दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में गए थे वो, और जब उनका इंट्रोडक्शन होने वाला था आई मीन ही वॉज डॉक्टर शरद पांडे वेरी फेमस हार्ट सर्जन, बट ही वॉज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड एज दिस इज डॉक्टर पांडे हार्ट सर्जन एंड ही इज़ ऑल्सो चंकी पांडे इज फादर. एंड माई फादर वॉज सो एक्साइटेड, उन्होंने मुझे STD कॉल किया था मुझे याद है दिल्ली से और कहा यू नो दे एक्चुअली सेड दिस इन अ कॉन्फ्रेंस, सो ही वॉज सो एक्साइटेड अबाउट इट. और मुझे भी वही फीलिंग हो रही जब अनन्या और आहान के बारे में लोग बात करते हैं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग. क्योंकि हर एक जो मैं नहीं कर पाया लाइफ में मेरे बच्चे करेंगे. जी, क्योंकि हर एक डैडी, क्योंकि आपने ये बताया कि मैं जो नहीं कर पाया लाइफ में, हर एक डैडी चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो सुपरस्टार बने. तो आप मानते हैं कि इन जो आप ये जो काम कर रहे हैं ये इनका पहली सीढ़ी है सुपरस्टार की तरफ या उस तरफ ये बढ़ रहे हैं, आप मानते हैं बच्चे? वो जो भी करे सही करे, हार्ड वर्क एंड लॉट्स ऑफ लक की जरूरत पड़ती है एंड बस लेट्स सी इट्स ऑल अबाउट them being accepted as actors, good actors and stars. Yeah. Thank you. हो गया? Yes. Thank you. मैं चलूँ? Yes. कुछ खाना मिलेगा क्या? Sir, एक मिनट थोड़ा. Sir, few seconds यहाँ पे ये pose करना चाहते हैं. Trophy. Left and right. अभी trophy तो मेरे को मिली नहीं है, मैं trophy के साथ क्यों लूँ photo? बोल तो मैं घर ले. ये साला भारी है यार, दो जन लगेंगे इसको उठाने. नाइस, ये तबला बजा गुड. एक अप्रिसिएशन होता है, विनिंग एन अवार्ड एक इनकरेजमेंट होता है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग. और ये जो भी अवार्ड फंक्शंस होते हैं दे मोर ऑफ सेलिब्रेशन, ये सक्सेसफुल फिल्म बनी है एंड वी सेलिब्रेट. मेरे बाल ऐसे कैसे हुए? टेढ़े मेढ़े हो गए ना मेरे बाल? अच्छे लग रहे हैं. नहीं नहीं, वो बाल बल्ज किए थे ना बाल, तो ऐसे ऐसे उगने लगे. ओके बाय, थैंक्स. चलो चलो.
हनुमान सामने हनुमान देखो सामने सामने सर सर यहाँ पे थैंक यू Excuse me, eh? Okay, Shahid ji, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जब जब आईफा की बात होती है तो क्या कुछ जहन में आता है आपके? हम देखते हैं कि हर साल आप एक ग्रैंड एंट्री करते हैं तो जी बताइए जी आईफा के साथ हमेशा एक्सपीरियंस अलग रहा है एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट आईफा आईफा हर साल एक नई जगह पे जाता है and the experience that you have is always different it's never the same the audience is different the venue is usually different so the entire energy is different it's not like usual award functions jahan aap ek hi jagah pe jate ho aur aapko aadat ho gayi you know it doesn't feel that way I think meri relationship IFA ke sath kafi lambi rahi hai maine unke sath host kiya hai kai saal I think 3-4 saal host kiya hai kai baar perform kiya hai to har saal koi na koi किसी ना किसी चीज़ में वो मुझे हमेशा बुलाते हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द एंटायर विस्क्राफ्ट टीम फॉर दैट दे ऑलवेज बीन वेरी नाइस एंड वेरी वार्म लाइक अ फैमिली लाइक आई हैव ऑलवेज सेड सो दिस ईयर इज गोइंग टू बी मोर एक्साइटिंग देन द लास्ट आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट एवरी आईफा दैट आई हैव गॉन टू आई हैव फेल्ट दैट इट वाज बेटर देन द प्रीवियस वन सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रियली गुड टाइम अच्छा ये कब डिसाइड हुआ क्या आप बात कर रहे हो मतलब आपको पता है मुझे बताया नहीं किसी ने है क्या मैं बता देता हूँ वही है श्योर है हाँ जी सो क्या याद आता है जब जब बैंकॉक की बात होती है ये तो पता ही नहीं था यार टाइम दे दो प्रिपेयर करने के लिए जवाब मुझे तो पूरा वर्ल्ड अच्छा लगता है कहीं भी ले जाओ आई लव इट तो जहाँ भी रखेंगे आईफा आई एम वेरी हैप्पी Shahid, I'm from a US-based radio station, Mera Sangeet. So you've been a part of USA IFA. So how did the energy of USA's audience transpire into you performing and well, we were really in Tampa. We were in Tampa when we performed for IFA. I think that was 2 or 3 years back. 2014. Yeah. So it's been 4 years. Life passes by faster than you think. अबे रुक जा बे धन्यवाद सो आई थिंक द वेन्यू वॉज अमेजिंग टैम्पा वॉज वन ऑफ माई फेवरेट आईफाज बहुत बड़ा वेन्यू था बहुत बड़ी ऑडियंस थी बहुत सारा प्यार मिला उस दिन एंड देर वॉज सम अमेजिंग पीपल देयर ऑफकोर्स द एंटायर फिल्म फ्रेटर्निटी फ्रॉम इंडिया वॉज देयर बट देर वॉज ऑल्सो अ लॉट ऑफ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन विद देम लाइक वी डिड द लुंगी डांस एंड जॉन ट्रैवोल्टा केम अप ऑन स्टेज एंड डांस्ड अ बिट so that was a really fun night I had a lot of fun that time शायद एक सवाल जी इस बार आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप सवाल जल्दी से ऑल इज गुड शूटिंग शुरू हो रही है एक और चीज साउथ में एक फिल्म काफी हिट हुई है अर्जुन रेड्डी उसकी रीमेक आप करने वाले हैं जी मैंने भी सुना कुछ क्या मतलब अच्छी पिक्चर है अर्जुन रेड्डी बहुत अच्छी मैंने देखी है लव्ड इट हां मतलब मैंने भी सुना है मैं कह इवन द डायरेक्टर वेंट ऑन रिकॉर्ड से दैट ही वाज द परफेक्ट ही आल्सो थिंक्स आई एम द राइट चॉइस ये तो सोचना पड़ेगा सीरियसली शायद मतलब यू थिंक करनी चाहिए हाउ एक्साइटेड यू आर टू गो डूइंग दैट अरे पहले मुझे ये तो अभी डिजेस्ट कर लूं कि मुझे ऑफर होने वाली है और मैं करने वाला हूं आई एम वेरी एक्साइटेड दैट इट माइट कम टू मी एंड दैट आई माइट डू इट शायद
there are talks happening. Yeah. Right? You'll hear an official announcement if anything happens. नहीं मैं परफॉर्म करने वाला हूँ इस साल मैं परफॉर्म करने वाला हूँ कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर बीइंग अ वुड बी फादर येट अगेन या सो हाउ इज दैट फीलिंग इट्स फीलिंग रियली गुड देयर इज स्टिल टाइम दिस इज द सेकंड टाइम सो इट डजंट फील न्यू द फर्स्ट टाइम इट फेल्ट वेरी न्यू बट इट्स ऑलवेज very exciting and we are really looking forward to having another member in the family it's an amazing feeling and child nowadays life has become really important so what's your suggestion one last question what's your suggestion to the fathers who are really busy and are not able to take time out for the kids what would you suggest to them are you a father No, not yet. शादी नहीं हुई नहीं शादी हो गई है शादी के बच्चा नहीं हुआ है सब समझ आ जाएगा शायद जी शायद जी थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे कि नन्हा परिश्ता आने वाला है आपके घर में तो कैसे चल रही तैयारियां अबे आईफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेटा उसमें 4-5 महीने 6 महीने बच्चे हैं ये सवाल फिर से पूछेगा तू तब मुझसे आई एम वेरी हैप्पी बहुत खुशी है मुझे इस बात की और मैंने बता दिया इसका मतलब ये नहीं कि यार तुम सवाल ही पूछते रहे उसको लेके इससे ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँ मैं आपने येलो शर्ट पहनी है कैसी रही तैयारी कैसा फील हो रहा है आपको शायद कौन सा लाइक वी सेड इट्स नॉट हैपनिंग दिस ईयर एंड वी विल प्रोबब्ली वर्क ऑन समथिंग एल्स समथिंग या थैंक यू थैंक यू